दोस्तों जामिया का CDOE MBA के एडमिशन्स के बारे में कंप्लीट जानकारी मिलेगी। सीट्स कितना है MBA में, फीस कितना है, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, फॉर्म डेट कब आती है, टेस्ट सेंटर कहाँ होता है और टेस्ट का सिलेबस कहाँ होता है, कितना सिलेबस होता है, क्या क्या सिलेबस होता है, रिजर्वेशन कितना परसेंट किस कैटेगरी का है, रिजल्ट कब आता है, तो पूरी कंप्लीट जानकारी एक छोटी सी वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आपको A to Z जामिया के डिस्टेंस MBA के बारे में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको अगर तैयारी करनी है तो आपके लिए स्पेशल बुक, क्योंकि आपका जो जामिया का टेस्ट होता है ना उसका सिलेबस मैच करता है इस बुक से। तो इस बुक में आपको लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन मिल जाएगा, इंटेलिजेंस एंड क्रिटिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड सफिशिएंसी, मैथमेटिकल स्किल्स और इंडियन एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट। तो आपको इस बुक में जामिया के लगभग सिलेबस सारे मिल जाएंगे। और इस बुक को परचेस करने के लिए वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन होगा, उसको क्लिक करके वीडियो को पहले पूरा देखिए, उसके बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक कीजिएगा। पहले वीडियो तो देखिए जिसमें आपको सीट, फीस, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, फॉर्म डेट बताता हूँ। MBA की शुरुआत की गई थी बेसिक ऑब्जेक्टिव जो प्रोग्राम के हो कि स्टूडेंट को बेसिक कंसेप्ट, बिजनेस और एनालिटिकल स्किल्स देने के लिए ये कोर्स डिज़ाइन किया है। 4 सेमेस्टर का कोर्स है। इसका मीडियम जो होगा इंस्ट्रक्शन वो इंग्लिश में ही होता है। इंग्लिश में असाइनमेंट जमा करने होते हैं, क्वेश्चन पेपर भी इंग्लिश में आता है और आपको बुक प्रोवाइड किया जाता है जामिया के इस डिपार्टमेंट से। तो आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको लर्निंग मटेरियल्स दी जाएगी वो भी इंग्लिश में ही होगा। तो बुक आपको हर सेमेस्टर का बुक मिलेगा जामिया की तरफ से आपको, और 4 सेमेस्टर का होगा तो 4 सेमेस्टर का बुक आपको मिलेगा। प्रोग्राम का फ़ी है 25,000 एक साल का। तो 2 साल का MBA होता है तो 50,000 में आपका MBA पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 25,000 एक साल का फीस है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या क्या सिलेबस होता है। सेमेस्टर वन में आपको ये 8 सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। थ्योरी का कितना, असाइनमेंट्स के कितने मार्क्स है, तो असाइनमेंट्स हमेशा 25% के होंगे और थ्योरी 75% का। तो असाइनमेंट तो घर बैठे बनाने होते हैं, तो इसमें तो समझिए कि अच्छे नंबर आते ही आते हैं। तो 8 सब्जेक्ट है पहला सेमेस्टर में, दूसरा में भी 8 सब्जेक्ट है जो कि इस प्रकार से आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरा सेमेस्टर में देखिए क्या है कि 4 फिक्स सब्जेक्ट्स है, उसके बाद ऑप्शंस में देखिए 5 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है। तो 4 ये और 3 ये 7 2 9, टोटल 9 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे आपके सेमेस्टर थर्ड में। अब ऑप्शनल 1, 2, 3 क्या क्या होगा वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी आपको बताऊंगा। और सेमेस्टर 4 में जाएंगे तो 3 फिक्स होगा, बाकी 4 ऑप्शनल होगा। और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसके बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। तो 3rd सेमेस्टर के ये ऑप्शन है, 4th सेमेस्टर के ये ऑप्शन है, 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, यानी 3 स्पेशलाइजेशन है जामिया मिलिया इस्लामिया के पास, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो आपको पूरा सब्जेक्ट के बारे में ज्ञान हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, फीस के बारे में आपको बता दिया कि 25,000 एक साल का लगता है। कोई दुविधा हो आपको इस कोर्स से रिलेटेड तो दिए गए नंबर पर कॉल करके एक्सटेंशन डायल करेंगे तो डायरेक्ट सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन में आपको बात हो पाएगी। तो ये नंबर जब भी डायल कीजिएगा तो एक्सटेंशन ज़रूर याद कीजिएगा, हर डिपार्टमेंट का एक्सटेंशन जामिया का अलग अलग है, बाकी शुरू वाला ये जो नंबर है सबका सेम है, सिर्फ एक्सटेंशन अलग अलग है, तो ये ध्यान रखिएगा। आप जब फॉर्म भरते हैं तो रजिस्ट्रेशन फीस लगता है, एक समय ही लगता है, 1 टाइम लगता है। तो 1500 रुपया है फॉर्म भरने का फीस। प्रोग्राम फी है 25,000 एक साल का। एडमिशन के लिए टेस्ट होता है, 4 सेमेस्टर है। अब टेस्ट में क्या पैटर्न होगा, क्या सिलेबस है आगे बताता हूँ। एलिजिबिलिटी देख के जाइए, बैचलर डिग्री में कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर 50% मार्क्स नहीं है तो कुछ रिलैक्सेशन है जो कि SC ST OBC नॉन क्रिमिलियर PWD के लिए 5% छूट है। यानी जो SC में आते हैं, ST में आते हैं या OBC में आते हैं या PWD में आते हैं तो 5% इस बैचलर डिग्री में रिलैक्सेशन, यानी 45% वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर कैटेगरी वाले हैं बच्चे, रिजर्वेशन वाले हैं बच्चे, तो 45% वाले भी इस जामिया के MBA कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़िए,
एंट्रेंस टेस्ट जो होगा वो दिल्ली में ही होगा, तो इसका टेस्ट देने के लिए देश के कहीं भी आप रहते हो तो आपको दिल्ली ही आना पड़ेगा। टेस्ट का ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा। क्वेश्चन जो होगा 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। अब बात कर लेते हैं एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस। सिलेबस में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है 20 मार्क्स का, जिसमें क्रिटिकल रीडिंग है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। सेक्शन 2 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है 20 मार्क्स का। सेक्शन 3 में है डेटा एनालिसिस एंड सफिशिएंसी 20 मार्क्स का। सेक्शन 4 में है रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस 20 मार्क्स का। और सेक्शन 5 में है नॉलेज अबाउट करेंट अफेयर्स एंड इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट 20 मार्क्स का। ये सारे सिलेबस आपको इस बुक में मिल जाएंगे। वीडियो को और आगे देखिए, तब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इस लिंक पे, दिए गए लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करके इस बुक को परचेज कर सकते हैं। तो आपने पूरा सिलेबस देख लिया। अब आगे बात करते हैं रिजर्वेशंस की। तो रिजर्वेशन 30% जो रिजर्वेशंस है जनरल मुस्लिम के लिए, 10% है मुस्लिम ओबीसी के लिए, 10% है मुस्लिम गर्ल्स के लिए, 5% रिजर्व है डिफरेंटली एबल पर्संस के लिए, डिसेबिलिटीज़ के लिए। उसके बाद भी रिजर्वेशंस है, कुछ कुछ स्पेशल कैटेगरीज है, जैसे कश्मीरी माइग्रेंट है, कैंडिडेट्स फ्रॉम जम्मू कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं उनके लिए रिजर्वेशन है, और जो जम्मू कश्मीर छोड़ चुके हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन है, जिसको कश्मीरी माइग्रेंट कहते हैं या कश्मीरी पंडित जनरली लोग कहते हैं। तो पता चल गया आपको सीट, फीस, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, फॉर्म डेट, टेस्ट सेंटर, सिलेबस, रिजर्वेशन। अब रिजल्ट डेट के बारे में जान जाइए। फॉर्म अभी निकला हुआ है, फॉर्म जो इस साल का है, 2023 में इस वीडियो को देख रहे हैं अगर, तो आपका फॉर्म का लास्ट डेट है 20 जून नहीं, ये देखिए 10 जुलाई तक फॉर्म 20 जून को निकला था। मोटा मोटी आप समझ लीजिए आपको 20 दिन मिला था फॉर्म भरने के लिए, लास्ट डेट है 10 जुलाई। एंट्रेंस टेस्ट जो होगा वो 22 जुलाई को होगा और रिजल्ट आने की उम्मीद है 1 अगस्त के आसपास। अब 1 अगस्त यानी फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त दिया है, तो ये सेकेंड वीक भी हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट वीक में दिया है तो फर्स्ट वीक में ही आएगा, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, पीछे तो नहीं होता, आगे ही हो जाता है, यानी 1 वीक डिले हो जाता है, लेट हो जाता है रिजल्ट में। तो रिजल्ट के लिए बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। हर साल जामिया में एडमिशन का टेस्ट होता है, हर साल ही एडमिशन होता है, हर साल ही नए बच्चे आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपका इस साल टेस्ट हुआ तो अगले साल रिजल्ट आएगा, रिजल्ट भी समय से आ जाता है, बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। जब रिजल्ट आ जाएगा तो आपका क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, फीस को सबमिट किया जाएगा, उसके बाद लास्ट डेट जो 2023 के 31 अगस्त है, उसी तरह 2024, 25, 26, 27, 28, 29, 30 आने वाले जितने भी साल होंगे, सब में लगभग यही पैटर्न होने वाला है। तो मोटा मोटी आपको आइडिया लग गया है जामिया का जो CDOE यानी डिस्टेंस एजुकेशन का जो MBA है, इसका पूरा डिटेल। बुक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस पर क्लिक करके ये बुक परचेज कर लीजिएगा और अपना तैयारी जल्दी से कर लीजिएगा और एडमिशन पाइएगा देश के टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में।